लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकॉक एंड इट्स इंप्रेसिव कैंपस। द कॉलेज विल बी प्रोवाइडिंग अ सीरीज ऑफ एनरिचिंग एंड वेरिड मल्टीकल्चरल इवेंट्स ओवर द नेक्स्ट 4-डे पीरियड। टू मेक योर स्टे मोर कंफर्टेबल, वी हैव अरेंज्ड एक्सीलेंट अकोमोडेशन। ऑन माई लेफ्ट द मेल हॉस्टल, ऑन माई राइट the female hostel. However, the college has strict guidance in terms of no student should interact with each other after 8 PM. अबे तेरी तो वाट लग गई। अबे लगी तू तो। अबे तूने कहा था कि नंदिनी को सबसे पहले बर्थडे तू विश करेगा? ऑफ कोर्स यार, तभी तो मैं यहां आया हूं। अबे तू बहरा है क्या? उसने कहा है कि 8 बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल में जाना लड़कों के लिए मना है। अब तू क्या करेगा? क्या सोच रही है प्रिया? मेरा दिल कहता है मेरा होने वाला जीवन साथी मुझे इसी बीच पर मिलेगा। तुझे कैसे पता ये वही बीच है? कैंपस के पास तो यही बीच है। आई एम श्योर दिस इज द प्लेस। राइट, इमली तू ये पॉल्यूशन की चिमनी बंद क्यों नहीं कर देता यार? पॉल्यूशन, तुझे पता है सिगरेट के अंदर से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के सारे जर्म्स मर जाते हैं एंड दैट्स व्हाई योर ब्रीदिंग बैक्टीरिया फ्री है। ये फालतू की बात छोड़ना यार, और ये सोच रात को गर्ल्स हॉस्टल कैसे जाएंगे? अरे सोच रहा हूं तो सिगरेट पी रहा हूं यार, ये पीछे पड़ा रहता है पूरे टाइम। हाय गाइस, गेस व्हाट, मैंने आशीष की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। कैसे? लुक गाइस, लड़कियों के हॉस्टल में रात को लड़के नहीं जा सकते, लेकिन लड़कियां तो जा सकती है ना? ओके। और टैंकर, ये है तुम्हारे लिए कैश। गाइस गाइस, दैट मींस टुनाइट वी आर गोइंग टू द गर्ल्स हॉस्टल। बॉयज या आई मीन गर्ल्स या लेट्स गो। ओके ओके। और कल आकर मुझे ऑफिस में मिला, अंडरस्टैंड? ओके मैम। Thank you.
No one's ever loved anyone. Love me the way. और सुनो क्या लिखा है, मेरा दिल कहता है उनका प्रेडिक्शन जरूर सच होगा। बड़ा सिली गल यार, आज के जमाने में क्या बात मानती है। अरे तो क्या हुआ, मैं भी मानता हूँ उसका प्रेडिक्शन जरूर पूरा होगा। क्या बात है यार, आज 7 तारीख है ना। हाँ। हाँ तो बस आज सुबह 7 बजे बैंकॉक के बीच पे उसको उसका जीवन साथी मिलने वाला है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसका जीवन साथी तुम लोगों के सामने बैठा हुआ है। क्या तू? हाँ मेरी बात मान ले, तेरा इस लड़की के साथ कुछ नहीं हो सकता। अरे हो सकता है यार, पूछो कैसे? कैसे? अरे क्योंकि मेरे पास उसकी डायरी है। ये डायरी नहीं, उसके दिल तक पहुंचने का मैप है। उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है इसमें सब लिखा हुआ है। अब मुझे तुम लोगों की थोड़ी मदद चाहिए। मदद की क्या बात करता है यार, तेरे तो जान हाजिर। हाँ, नहीं जान नहीं देनी पड़ेगी। इधर आओ। सबसे पहले मुझे इसकी जेरोक्स कॉपी निकालनी है, क्योंकि ओरिजिनल तो उसको वापस करनी पड़ेगी ना। जेरोक्स तो हो जाएगी, लेकिन ये डायरी वापस प्रिया के पास पहुंचेगी कैसे? अरे उसका प्लान मेरे पास है यार। सेकंडली मुझे 7 रंग के कपड़े चाहिए, वो भी हो जाएगा। और बोल सबसे जरूरी चीज, अब मुझे सोना है क्योंकि सुबह 7 बजे से पहले मुझे... सुबह मेरा मतलब है कि सुबह सुबह आप गिटार क्यों बजा रहे थे? वैसे मेरा नाम प्रिया है। आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर पाया। एक्चुअली सुबह सुबह 15 मिनट मैं मौन व्रत रखता हूँ। मेरी जिंदगी की एक फिलॉसफी है कि सुबह के 15 मिनट अपने साथ अकेले बिताने चाहिए। बाय द वे आई एम मिमी, हाय। हाय। प्लीज सो डू यू स्टे अराउंड हियर और नहीं, दिल्ली से यहाँ यूथ फेस्टिवल के लिए आई हूँ। ओके दिल्ली में तुम कहाँ रहती हो? वसंत विहार, केडीज गर्ल्स हॉस्टल। तुम वसंत विहार में रहती हो? मैं वसंत कुंज में रहता हूँ। अजीब बात है, हम दोनों इतने करीब रहते हैं और मुलाकात यहाँ हुई, वो भी इतने दूर बैंकॉक में। आई नो, यू नो प्रिया, ये सब तकदीर की बात, डेस्टिनी। यू नो दो लोग तभी मिलते हैं जब डेस्टिनी उनको मिलवाना चाहती है। तुम डेस्टिनी में विश्वास करती हो प्रिया? पहले नहीं मानती थी, लेकिन अब मानती हूँ। तो बस यही समझ लो कि डेस्टिनी में तुम्हारे इस विश्वास ने ही आज हम लोगों को मिलवाया। मैं समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है प्रिया कि अगर तुम डेस्टिनी को मानती हो तो ये इत्तेफाक हो नहीं सकता, और अगर ये इत्तेफाक है तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसा खूबसूरत इत्तेफाक मेरे साथ रहो। तुम बात सही कह रहे हो।
बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। अगर सुनने वाला अच्छा हो तो मुंह से अच्छी बातें अपने आप निकलती। बाय। ओ दिव्या, ही सो क्यूट और वो बातें इतनी अच्छी करता है, मन करता है उसे सुनती जाऊं। एंड यू नो व्हाट, ही टू बिलीव्स इन डेस्टिनी। अरे आई एम सो सॉरी। ये लीजिए, इट्स ओके। अरे क्या बात है राधिका, कांग्रेट्स। अरे उसको शक तो नहीं हुआ? शक? अरे वो तो तुम्हारे ख्यालों में ऐसे खोई हुई है कि अगर चलते चलते भी उसके हाथ में डायरी दे देते ना तो भी उसे पता नहीं चलता। एमी, ऐसा क्या जादू कर दिया उस पे? अरे अभी तो सिर्फ दाना डाला है, जाल बिछाना तो अभी बाकी। एमी, प्रिया आ रही है। प्रिया आ रही है। अरे एमी, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? वो मैं बता, इस सिगरेट से। किस तरह का घटिया टाइप का आदमी है यार तू? मतलब मैंने पीठ पलटी नहीं कि तूने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। आई मीन, ये बॉडी है ना, एक टेम्पल है, इसे हमेशा साफ रखना चाहिए। वैसे ही धुएं से मार रहा है, अब क्या मैं जला कर मारेगा क्या? अगर यहाँ आग वाग लग जाती तो क्या करता? लेकिन मैंने क्या? लेकिन शश, बात तो मैंने क्या? हाँ प्रिया बोलो, तुम क्या कह रही हो? मैंने क्या किया? शट अप एंड गेट आउट, आई डोंट टॉक टू स्मोकर्स, गो। हाँ सॉरी, तुम कुछ कह रही थी। आज दोपहर को हम सब ने मिलकर एंटी पोल्यूशन पर डिस्कशन रखा है। Okay. उसमें एक टॉपिक एंटी स्मोकिंग भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं चाहती हूँ तुम एंटी स्मोकिंग पर एक लेक्चर भी दो। ठीक है, एनीथिंग फॉर यू। दोस्तों, एक घंटे से लेक्चर चल रहा है। अच्छा सुन, मैं सिगरेट भी कराता हूँ, अगर प्रिया पूछे तो उसे कह देना कि मैं बाथरूम गया। ओके। और अब एंटी स्मोकिंग पर दिल्ली के केसी कॉलेज की तरफ से इमी आपसे बात करेंगे। वाह वाह, एंटी स्मोकिंग पे लेक्चर देने को प्रिया को यही मिला था। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग सिगरेट पीते हैं। ओके, ऑलराइट, एक्सीलेंट। आप लोग सब यहाँ पे कम से कम एक घंटे से तो वेट कर ही रहे होंगे, राइट? तो सिगरेट पीने की तो तलब सबको लगी रही होगी। नहीं नहीं, आई नो। आप लोगों को मालूम है जब एक स्मोकर को सिगरेट पीने की तलब लगती है तो उसे सिगरेट के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। और ये बात तुझसे अच्छा और कौन जान सकता है? और ये बात मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप में से जितने लोग भी सिगरेट पीना चाहते हैं वो अपनी अपनी सिगरेट निकालें और उसे सुलगाएं। अरे आप लोग तो शर्मा रहे। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही जला लेता हूं, जस्ट फॉर यू। इस तरह जब ये धुआं आपके अंदर जाता है तो आपकी बॉडी में हजारों तरह के पोल्यूटेंट्स घुसते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि एक सिगरेट आपकी जिंदगी के 5 मिनट कम कर देती है? He's good. और ये बात मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। कैल्सी, कम ऑन अप। कैल्सी, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव अ बिग हैंड टू कैल्सी। यह, ऑलराइट, यह, यह, कम ऑन। क्या आप लोगों को मालूम है कि 8 साल की उम्र से सिगरेट पीता चला रहा है? डेली, रोज, ये देखने में कम से कम 35-40 साल का बुढ़ा लगा, लेकिन आप लोगों को मालूम है इसकी असली उम्र क्या है? Take a guess. Only 24 years. 26 साल के, you believe that? हाँ, हाँ, और यही नहीं, देखिए देखिए, और देखिए, नीचे देखिए, नीचे देखिए, ये देखिए, जहां पर इसके सर पे इस उम्र में बालों का काला घना जंगल होना चाहिए था वहां सिर्फ चांद नजर आता है। और इस सब की वजह है ये 3 इंच की सिगरेट जिसका धुआं इस तरह अंदर लेने से इंसान की जिंदगी कैल्सी की तरह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। आप महान हैं, आप महान हैं भाई। अब दोस्तों, इस सिगरेट के आप मेरे साथ 3 सुट्टे लगातार लगाएं और इसे बुझाकर ये वादा करें कि आपके जीवन की आखिरी सिगरेट है।
हाँ, और कैल सर, तू भी इस सिगरेट को बुझाकर ये वादा कर कि आज के बाद सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाएगा। एक्चुअली है मेरे पास सब अरेंजमेंट है। Fantastic, ladies and gentlemen, this is a huge occasion in the history of wow, बेटा, सिगरेट भी पी गए और लेक्चर भी पिला दिया। ओ एमी, थैंक यू सो मच, यू वर रियली वंडरफुल। तुमने सिर्फ लेक्चर ही नहीं दिया बल्कि कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी। और तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने कैसे? ये मैं तुम्हें शाम बॉनफायर पे बताऊंगा। मुझसे सनम तुम इतनी मोहब्बत करो के सारा जमाना जल